हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ओके, एक कार की बैटरी है जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का वो है 0.4 ओम। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो उस बैटरी से हम कितना मैक्सिमम करंट ले सकते हैं ये हमको यहाँ फाइंड करना है। मान लेते हैं एक बैटरी। ओके, सपोज दिस इज बैटरी एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.4 ओम। ओके, एंड ईएमएफ इज 12 वोल्ट। ओके, दिस इज द बैटरी। ओके, अब हम इससे कितना मैक्सिमम करंट ले सकते हैं ये हमको यहाँ फाइंड करना है। देखिए सिंपल, अगर आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या होता है, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। कितना वोल्टेज है और कितना रेजिस्टेंस है, तो यहाँ जो वोल्टेज है वो ईएमएफ ही है, जो कि ईएमएफ है इसका 12 वोल्ट है तो ईएमएफ ही है, और जो रेजिस्टेंस है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि स्मॉल आर कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को हम। ठीक है, स्मॉल आर इक्वल्स टू दिस, तो आप इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं 12 अपॉन 0.4। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा, 4 3 जा 12 तो 30। तो जो करंट हम ले सकते हैं वो है 30 एम्पियर। अब आप कहेंगे ये मैक्सिमम कैसे है करंट, सिंपल सी बात, ये मैक्सिमम ही करंट है क्योंकि अभी इससे हमने कोई भी आउटर रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हमने लगाया ही नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं है। और वैसे भी आप इसे एक और तरीके से सोचें तो देखिए आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं इसे। हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट, करंट क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब करंट मैक्सिमम कब होगा, जब आर लो होगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है सर्किट में वो सबसे कम हो, मींस लो हो, उस कंडीशन में करंट हमको मिलेगा, वो मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो यहाँ हमने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो लो मींस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, ज़ीरो हो, तो हमने लगाया ही नहीं है कोई। तो सपोज करके चल सकते हैं कि यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो बिल्कुल ज़ीरो ही है। ठीक है, तो जो अगर हम यहाँ मान लेते हैं जैसे दो पॉइंट हैं ये ए एंड बी, इन दो पॉइंट के बीच में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वैसे ही ज़ीरो हो गया ए और बी के बीच में, क्योंकि ए और बी ठीक है सेम पोटेंशियल पर हैं, क्योंकि हम वायर का जो है रेजिस्टेंस लेके ही नहीं चलते, नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं उसको। तो ए और बी के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो वैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि जब आपने R को लो ले लिया फिर ज़ीरो ले लिया तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, I मल्टीप्लाई ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। तो A और B के बीच में नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। और यही A और B यहाँ कनेक्टेड हैं इस बैटरी से, मीन्स बैटरी के एंड से कनेक्टेड है। तो हम इसको कह सकते हैं जो V है ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, V को हम A V A B जो है, ठीक है, इसको जैसे वी ए बी है यहाँ हमने जो ज़ीरो निकाला है इसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे, क्योंकि ये वही पॉइंट है ए और बी। ठीक है, सेम पॉइंट है ये। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह से, क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई माइनस आई आर, यही होता है डिस्चार्जिंग के केस में। तो यहाँ से बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज ही तो होगी। ठीक है, तो जब करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में तो नो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, तो ये कौन सा केस है, डिस्चार्जिंग वाला है ना। तो डिस्चार्जिंग के केस में ये होता है व्हीकल्स टू ई माइनस आई आर। अब क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया नहीं है, वैसे ही सिंपल हमने एज्यूम कर लिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, एज्यूम किया है, तो तब उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो जो वी है वो ज़ीरो है, जो कि वी ए बी कह सकते हैं वो ज़ीरो है, तो ई माइनस आई आर इन दैट केस। तो ई इक्वल्स टू आई आर एंड आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो इस केस में जो आई है ये क्या है, मैक्सिमम है, क्या है ये, मैक्सिमम करंट हमको मिल रहा है क्योंकि हमने वी को ज़ीरो कर लिया है, तो ये जो करंट है वो मैक्सिमम ही है। तो यहाँ जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है इसको हम मैक्सिमम करंट ही कहेंगे, क्योंकि हमको ई अपॉन आर ही निकालना था, ई क्या था, ई एम एफ था इस बैटरी का, तो ई अपॉन आर ही निकाला है हमने, जो कि कितना आया है 30 एम्पियर। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू।